ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम के बाद जॉन सीना की गंदी पिटाई, रोमन वर्सेस ब्रॉक आगे क्या होगा, बेकी ने अपने रिटर्न पर क्या कुछ कहा और जानेंगे ब्रॉन क्यों चाहते डेमियन से लड़ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गॉसिपियन स्वागत है आपका दिन की सेकंड फेस का वीडियो में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करने वाले हैं समर स्लैम की एफ्टरमैथ की कि आखिर में समर स्लैम के खत्म होने के बाद क्या कुछ हुआ है। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा, ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना की गंदी पिटाई की है समर स्लैम में। एज वी ऑल नो दोस्तों, हमने आज जो सीना वर्सेस रोमन देखा था जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन गाइज इसका अंत काफी अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हुआ है और जो रिटर्न हुआ है उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सुबह वाली वीडियो में। बट इस वीडियो में दोस्तों हम खबरों के साथ साथ वो सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं जो कि समर स्लैम के बाद देखने को मिला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले बैकी लिंच की न्यूज के साथ। तो बैकी लिंच को दोस्तों बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, जिसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि बैकी का जो मैच था बियांका के खिलाफ वो काफी शॉर्ट था और बियांका ब्लेयर को बहुत कमजोर दिखाया गया। वेल दोस्तों, ये WWE की काफी बड़ी नाकामी है जिस तरीके से इस मैच को बुक किया गया था। यहां दोस्तों बियांका को थोड़ा सा भी या फिर कह लीजिए लिटरली चिट्टू सा भी स्ट्रॉन्ग दिखा देते तो मेरे हिसाब से दोस्तों सोने पर सुहागा रहता है, लेकिन बैकी लिंच को दोस्तों WWE वालों ने हील के जैसे दिखाया। वो आती है, कार्मेला को मारती है और बियांका की मस्ती मस्ती में पिन करके चली जाती है। लेकिन बात की जाए बैकी का क्या रिएक्शन है इस सिनेरियो के ऊपर, बैकी को दोस्तों बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। एज वी ऑल नो शी डोंट गिव अ डैम अबाउट दीज थिंग्स। वहां दोस्तों बैकी ने एक इंटरव्यू दिया है बैक स्टेज, दोस्तों बैकी का क्या कहना रहा कि द मैन इज बैक और इट फील्स गुड। यहां दोस्तों उन्हें काफी मजा आ रहा है। रही बात फैंस की, फैंस बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो चुके हैं। बट बैकी ने जो कुछ बियांका के साथ किया इस पर आप क्या टिप्पणी कीजिएगा, मैं देख रहा हूं। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है फीड ब्रे वैट से। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि फीड के आने के भी चांसेस है, तो गाइस आपको बताना चाहूंगा फीड आए तो नहीं है, लेकिन उन्होंने शो को देखा है। फीड ब्रे वैट ने दोस्तों एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और दोस्तों जो उन्होंने ये शेयर किया ट्वीट, ये ऐसे बंदे का है जो कि फैन के तौर पर आ रखा था एक साइन लेकर उस मैच में जो कि बिगी का हो रहा था, और इस साइन पर क्या लिखा था, ब्रे वायट हर्ट हील, जो कि दोस्तों उनका एक तरीके का कैच फ्रेज। कुल मिलाकर दोस्तों ब्रे वायट को याद किया जा रहा है अभी भी WWE के अंदर। और आपको बताना चाहूंगा आज वी वांट वायट की भी चैंट लगी जब अलेक्सा का मैच था। कुल मिलाकर दोस्तों फीड को WWE को चाहिए कि वापस लाया जाए, क्योंकि फैंस भी उनका इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है फीड दोस्तों एक नया मास्क लेकर किसी दूसरी कंपनी में दिखाई दे सकते हैं, मे बी AEW के अंदर। वेल वो थिंग तो तब देखी जाएगी, लेकिन अभी की थिंग डिस्कस कर लेते हैं। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों हमारे अपने ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो जहां दोस्तों फीड को निकाला गया है, ब्रॉन स्ट्रोमन चाहते हैं WWE के अंदर फिर से अपना रिटर्न। ब्रॉन को भी निकाला गया था, उन्हें भी रिलीज किया गया था। हाल ही में दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक ट्वीट किया है ठीक समर स्लैम के बाद। ये ट्वीट नहीं है दोस्तों बल्कि एक तरीके की स्टोरी है जो कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली, माफ कीजिएगा। और इसके अंदर दोस्तों जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्होंने डाली तस्वीर किसकी, डेमियन प्रिस्ट की। डेमियन प्रिस्ट हमारे ब्रांड US चैंपियन जो कि आज शेमस को हरा कर दोस्तों चैंप बने हैं, उनकी तस्वीर डालते हुए दोस्तों जो ब्रॉन है क्या चीज लिखे, फाइट मी। माना दोस्तों डेमियन के ऊपर दिल आ चुका है ब्रॉन का, ऐसा दिल नहीं दोस्तों वैसा दिल कि उनसे वो फाइट करना चाहते हैं। और गाइस बात की जाए डेमियन की, डेमियन दोस्तों काफी अच्छे चैंप लग भी रहे हैं। अब देखते हैं क्या WWE गुहार सुनती है ब्रॉन स्ट्रोमैन की और क्या वो फिर से ब्रॉन को अप्रोच करती है, क्योंकि ब्रॉन तो चाहते हैं अपना रिटर्न। मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज हो ही जानी चाहिए कि फीड और ब्रॉन फिर से WWE के अंदर आ जाए, क्योंकि जितने रिटर्न हो रहे हैं गाइस इन दोनों का भी रिटर्न होना चाहिए, क्या कहिएगा। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस बिल गोल्डबर्ग से। तो गाइस आज इस मैच का अंत भी काफी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से हुआ। हमने पहली बार देखा कि गोल्डबर्ग फाइट के लिए काबिल ही नहीं रह पाया, अनेबल टू कंपीट हो गए, जहां दोस्तों रेफरी ने कहा कि इस बंदे की टांग में लगी है, खड़ा नहीं हो सकता। लैशली को विनर घोषित किया गया, लेकिन लैशली ने दोस्तों वही चीज की जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी। लैशली ने चेयर से उन्हें मारा और तब तक मारते रहे जब तक दोस्तों गोल्डबर्ग का बेटा आकर उनकी पीठ से ना चिपक गया। इसके बाद दोस्तों लैशली ने उसे भी हर्ट लॉक लगाया। अब ये सिनेरियो क्यों देखने को मिला है कि लैशली गोल्डबर्ग के बेटे को इस तरीके से ट्रीट किया, तो बताया जा रहा दोस्तों कि इनकी फाइट जा रही है क्राउन ज्वेल के अंदर जो कि 21 अक्टूबर को होना है। और क्यों इंजर्ड हुए हैं यहाँ गोल्डबर्ग, इसीलिए इंजर्ड हुआ है ताकि वो एक महीने का गैप ले सके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सितंबर में तो एक्सट्रीम रूल्स होगा। तो यहाँ दोस्तों WWE चाहता है कि गोल्डबर्ग की अगली फाइट किसी बड़े PPV में आए जो कि दोस्तों सऊदी अरेबिया में होता है क्राउन ज्वेल, जिसके अंदर बहुत सारे लेजेंड्स को वैसे भी लाना पड़ता है। तो एक तीर से दो निशाने मार
मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है गोल्डबर्ग दोस्तों इसका बदला जरूर लेंगे। लैशली को दोस्तों वो दिखाएंगे कि असली शेर किसे कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ वहां घटित होता है, लेकिन यह मैच जा रहा है क्राउन जोल में अक्टूबर में। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, जो कि हमारी जुड़ी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से, जिन्होंने आफ्टर द समर स्लैम पीटा जॉन सीना को। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों आज हमें दिखाई दिए किस मैच में, मेन इवेंट में। मेन इवेंट था सीना वर्सेस रोमन का, जहां दोस्तों जो हमारे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ को रिटेन कर जाते हैं। बट आफ्टर द मैच दोस्तों वहां ब्रॉक लेसनर आते हैं, जिन्हें देख दोस्तों पॉल हेमन गुहार लगाते हैं कि मत मार मत मार, कुछ मत कर, जिस पर दोस्तों ब्रॉक कुछ नहीं करते, फेस ऑफ होता हल्का सा, वहां से रोमन निकल जाते हैं। लेकिन जब कैमरे बंद हुए तो गाइस ब्रॉक लेसनर ने वो चीज की जो कि दोस्तों उनसे सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सीना दोस्तों रिंग के अंदर पलट पलट के आ गए, और वहां दोस्तों जो हमारे ब्रॉक है उन्होंने दो सुप्लेक्स लगाई वहां तगड़े वाली सीना को, लिटरली दोस्तों सीना को उड़ा उड़ा के फेंका, उठा उठा के फेंका है, और उसके बाद दोस्तों लगाया एक तगड़े वाला F5। सीना हो गए चित, और ब्रॉक लेसनर के लिए लोगों ने लगाई है तगड़ी वाली चैंट। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से प्रॉपर तरीके से समर स्लैम खत्म हुआ था। हालांकि दोस्तों हमें सिर्फ ये एंगल दिखाया गया कि वहां जो फेस ऑफ हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जो ब्रॉक है एज ए बेबी फेस लौटे हैं, और सीना भी बेबी फेस है, तो ऐसे में दोस्तों ऑन स्क्रीन या फिर कह लीजिए टेलीविजन स्क्रीन पर ये चीज नहीं दिखाई जा सकती थी। बात की जाए दोस्तों द बीस्ट वर्सेस रोमन रेंस की, तो गाइस इनका मैच जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगा। पीपीवी डिसाइड तो नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज डिसाइड हो चुकी है कि गाइस इस बार ही विलन चेंज है, रोमन रेंस विलन है, और गाइस ब्रॉक लेसनर हीरो है, ब्रॉक लेसनर बेबी फेस है। मैच दोस्तों काफी धांसू होगा जब भी होगा, चाहे वो एक्सट्रीम रूल्स में क्यों ना हो, चाहे क्राउन जोल में क्यों ना हो। आप किसका सपोर्ट कीजिएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और काफी मजेदार भी, चूंकि सब लोग जानते हैं कि रोमन रेंस की भी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है और ब्रॉक की भी। तो अभी के अभी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही साथ दोस्तों आज के समर स्लैम आपको कैसी लगी है ये भी मुझे बताएगा, क्योंकि मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तो ये चीज मुझे पर्टिकुलरली कमेंट करके बताएगा जरूर। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।